हाड़ती संभाग की मेज नदी में एक साल पहले आज ही के दिन बस हादसा हुआ था। पुलिया से नदी में बस गिरने से बहन को मायरा पहनाने जाने वाले परिवार से 24 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे में 10 लोग बसंत बिहार में रहने वाले एक परिवार के लोग भी थे जिनकी मौत हो गई थी। हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर बसंत बिहार इलाके में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जरूरतमंद लोगों के लिए रक्तदान किया। ये रक्तदान शिविर अमित वर्मा के द्वारा आयोजित किया गया जो पीड़ित परिवार का सदस्य है और उस वक्त बस में सवार था। हादसे को लेकर एक साल बाद भी अमित अपनों को खोने का गम नहीं भुला पाया है। तिथि है तो उसमें ब्लड डोनेट का शिविर रखा गया है जो जरूरतमंदों को जरूरत पड़े जब काम आने के लिए, बस यही मेरा तात्पर्य है और ये आशा करता हूँ अच्छा यूनिट जाए। अभी तक 30 हो चुका है, 50 हो चुका है और मतलब 30 चल रहा है, 50 की पर्चा कट चुकी है और ये है तो 70 तक यूनिट पहुंच जाएगा। कितने लोग उस दुखांतिका में? हमारे सर 10 जने हैं मेरे इस परिवार में, टोटल 23 जनों से 10 जने मेरे परिवार से।